आजकल बैक टू बैक इतनी सारी सीरीज आ रही है ना कि उनमें से कौन सी बिंज वॉच वर्दी है या नहीं, कौन सी वन टाइम वॉच है या फिर नहीं, ये फिल्टर लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मैं जानती हूँ। अब ऐसे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर काजोल स्टारर सीरीज द ट्रायल प्यार कानून और धोखा रिलीज हुई है और ये एक ही सीरीज है, इतना बड़ा बस नाम है। पहली बात तो ये कि हम सबकी फेवरेट काजोल इस सीरीज में लीड रोल में है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो चलिए बताती हूँ कि क्या ये सीरीज आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर सकती है या नहीं। सो लेट्स डू द रिव्यू। 8 एपिसोड्स कोर्टरूम ड्रामा, जैसे पहले भी कई कोर्टरूम ड्रामास बन चुके हैं। तो कहानी सबसे पहले बता देती हूँ, काजोल यानी कि नियोनिका सेन गुप्ता के हस्बैंड राजीव सेन गुप्ता जो कि एक एडिशनल जज है, उनकी कहानी है और कहानी शुरू ही यहाँ से होती है जहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर काफी एक्यूजेशंस भी है और सबसे बड़ा एक्यूजेशन है कि उन्होंने सेक्सुअल फेवर लिया था, जिसकी क्लिप्स भी वायरल हो चुकी है। अब कैसे नियोनिका एक हाउसवाइफ से बहुत साल बाद वापस लॉ में घुसती है, लॉयर बनती है, घर संभालती है, जॉब ढूंढती है, सब कुछ होता है, तो ये पूरी की पूरी कहानी ना इसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें लगता था कि घूमेगी। इस कोर्टरूम ड्रामा में और भी कई सारे केसेस दिखाए गए हैं, लॉ फर्म के इश्यूज दिखाए गए हैं, वहां की पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है। कहानी कुछ खास नहीं है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फर्स्ट एपिसोड के बाद से ही ना सेकेंड एपिसोड की अगर कहानी की बात करूं तो वहां पर ट्रैक बिल्कुल बदल जाता है। इनफैक्ट फिफ्थ एपिसोड तक ट्रैक वही चलता रहता है जो हमें लगता है कि नहीं चलना चाहिए था। जो केसेस दिखाए गए हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग नहीं है। हाँ, एक केस में आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस की कहानी भी जरूर याद आने वाली है। बाकी डिसअपॉइंटिंग इज कि इन केसेस का हमें लगता है कहीं ना कहीं काजोल के हस्बैंड के केस से भी कुछ कनेक्शन होगा, लेकिन वो भी नहीं निकलता है। क्लियरली इस शो में कमी थी अच्छी राइटिंग की। स्टोरी को जबरदस्ती खींचा गया है, जबकि आराम से इस पूरी की पूरी सीरीज को 3 से 4 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था या फिर एक छोटी सी फिल्म बनाई जा सकती थी। और डिसअपॉइंटिंग बात यह भी थी कि जितना मेंटली टैक्सिंग काजोल के हस्बैंड का केस दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया गया है। बच्चों पर भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है। हर एपिसोड में बस कुछ ही मिनट्स उनकी स्टोरी को दिखाया गया है, विच वॉज नॉट इनफ वेरी ऑनेस्टली। बेटियों पर जैसे कि मैंने बताया कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखाया गया है, जबकि उनके पापा उनके बाबा जेल जा चुके हैं और बहुत कन्वीनियंटली काजोल को बहुत ही अचीवमेंट भी मिल जाती है जो जस्टिफाइड नहीं लगती। 8 एपिसोड्स आपको कई जगह पर ज्यादा लगने लग जाते हैं। बस कास्टिंग ने सीरीज को कहीं ना कहीं बचाया है, फिर चाहे वो एवर सो चार्मिंग एंड द बेस्ट काजोल हो, शीबा चड्ढा हो जिन्होंने मालिनी का कैरेक्टर प्ले किया है, अली खान हो या फिर कुबरा सेठ हो, इन सभी ने कमाल का काम किया है। अगर ये सीरीज अपने ट्रैक से डाइवर्ट बार बार नहीं होती तो ये एक अच्छा कोर्टरूम ड्रामा या फिर लीगल ड्रामा बन सकती थी। इट्स अ वन टाइम वॉच शो, जिसे आप स्किप करना चाहो तो कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ काजोल के फैन हो तो डेफिनेटली इसको देख सकते। बाकी फैमिली के साथ देखने वाली ये सीरीज है नहीं, कुछ सीन्स है इस तरह के जो आप कंफर्टेबल नहीं होगे देखने के लिए, गालियां भी है और बहुत कुछ है। ओवरऑल मैं दे रही हूं द ट्रायल को 3 out of 5 स्टार, जिसमें हाफ स्टार मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग के लिए है, कास्टिंग के लिए है और कुछ भी नहीं। आप देखना तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताना। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, उनको भी जाके बता दो कि क्या ये बिंज वॉच वर्दी है या फिर नहीं। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। We'll be right back.